हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। आज की रीडिंग है उन लोगों के लिए जिनके कोई चहेते पर्सन किसी तरह से आपके साथ डिस्टरबेंस में चल रहे हैं। आप चाहते हैं वो एक्शन लें, बट आपको रीज़न नहीं पता है कि एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। पता भी है तो भी आप रीडिंग देख सकते हैं। इससे आप जान सकेंगे कि आपके पर्सन खुद को खुद से रोके हुए हैं या एक्चुअली कोई डिस्टरबेंस वहाँ पर है, और क्यों वो कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को। और ऐसा करने से दो तरह के आउटकम देखेंगे। विलिंग आउटकम, इट मींस आपके पर्सन की इच्छा से क्या रिजल्ट आने वाला है। सेकंड थिंग, यूनिवर्सल आउटकम, क्योंकि हो सकता है आपके पर्सन चाहे जो करना चाहें, बट अगर यूनिवर्स चाहते हैं कि वो एक्शन लें, तो देखते हैं यूनिवर्सल आउटकम क्या होने वाला है। इस रीडिंग को एज अ गाइडेंस तभी काम में लें जब आपको लगता है कि आपके पर्सन की सिचुएशंस वही है जो कार्ड्स डिनोट कर रहे हैं। रिलैक्स रहें, कंफर्टेबल रहें, थिंक ऑफ योर पर्सन, अपने पर्सन के बारे में सोचें। कीप हिम और हर इन योर माइंड, ना नेगेटिव सोचें ना पॉजिटिव, जस्ट बी फोकस्ड ऑन योर पर्सन। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि क्यों आपके पर्सन अपने आप को कंट्रोल करते हैं और ऐसा करने से उन्हें क्या मिलने वाला है। सो ये मैसेज है उन लोगों के लिए जिनके पर्सन किसी तरह से डिफरेंस रखते हैं आपसे। हो सकता है ज्योग्राफिकली आपसे दूर हैं, आप दोनों के स्टेट्स सिटीज़ अलग अलग हो सकते हैं, कम्युनिटी लेवल पर भी डिफरेंस हो सकता है, कास्ट कल्चर सिविलाइजेशन वाइज, मैरिटल स्टेटस का भी डिफरेंस हो सकता है, आप सिंगल, आपके पर्सन मैरिड, कुछ ऐसा भी हो सकता है। सो लेट्स फाइंड आउट कि पर्सन किस सिचुएशन में है आपके। दो कार्ड्स हैं, 10 of Wands, 7 of Coins। 7 of Coins बताता है कि योर पर्सन इज़ प्लानिंग, किसी चीज़ के लिए वो प्लान कर रहे हैं। 10 of Coins साथ साथ बता रहा है कि इस वक्त इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या इतना बर्डन है लाइफ में कि जो भी स्ट्रेटेजी है उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपके पर्सन 7 या 10 नंबर बिलोंग करते हैं किसी तरह से मूलांक के अनुसार, तो 7 नंबर दिखाता है कि जो भी आपके पर्सन चाहते हैं उसे ज़रूर कर कर ही रहेंगे, क्योंकि 7 के जो रूलिंग प्लैनेट हैं दैट इज़ केतु। तो ऐसा पर्सन जब एक बार डिटर्मिनेशन करता है कुछ करने को तो वो एक्शन लेता ही लेता है। 10 नंबर भी आपके पर्सन अगर हैं तो 10 नंबर का जो मूलांक है दैट इज़ 1, और 1 नंबर के जो रूलिंग प्लैनेट होते हैं वो सन है। तो दोनों ही केस में आपके पर्सन जो भी प्लान करेंगे, श्योरली दिस पर्सन विल टेक सम एक्शन। लेकिन ये क्या है, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि सोचते क्या हैं आपके विषय में। द हैंग्ड मैन, एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि अपॉर्चुनिटी तो चाहते हैं, बट द हैंग्ड मैन, इट मीन्स, बट आप इस हैंग्ड मैन को जब ध्यान से देखेंगे तो यू विल फाइंड कि ये हैंग्ड होने के बावजूद भी काफ़ी कूल माइंडेड है। यहाँ देख सकते हैं आप जो ब्रेन है इनका, उसमें येलो लाइट है, स्पिरिचुअलिटी की लाइट है। तो आपके पर्सन हैंग्ड हो सकते हैं, काफ़ी बर्डन उन पर हो सकता है, बट दिस पर्सन इज़ कूल माइंडेड। तो सोच समझ करके जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कुछ तो एक्शन लेंगे। नाउ लेट्स फाइंड आउट द रियल कॉज कि खुद को रोकते क्यों हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वेंड्स, दोनों कार्ड्स को देखते हुए सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि आप दोनों के बीच पास्ट में कुछ इगोइस्टिक इश्यूज हुए हैं। ये आप दोनों का पास्ट है एंड दिस इज एनर्जी। कुछ इगोइस्टिक एटीट्यूड ज़रूर अपनाया है आपने या आपके पर्सन ने, या दोनों में हो सकता है किसी बात को लेकर के बड़ा आर्ग्यूमेंट या बड़ा डिस्टर्बेंस रहा है। यहाँ पे
थर्ड पार्टी का रोल उतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, ये आप और आपके पर्सन के इगोइस्टिक बिहेवियर को शो कर रहा है। सो इस वजह से फ़िलहाल अपने आप को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, दिस इज़ द रीज़न। अब हम दो तरह के आउटकम देख रहे हैं, एक तो जो आपका पर्सन अपनी मर्जी से करने वाला है, दैट इज़ द वर्ल्ड फाइव ऑफ कॉइन्स। मेजर अड़काना के साथ फाइव ऑफ कॉइन्स है। फाइव ऑफ कॉइन्स दिखाता है कि आपके बिना लाइफ में आगे बढ़ना ये तो मुश्किल ही होगा। देख सकते हैं किस तरह से दोनों आगे बढ़ रहे हैं। द वर्ल्ड कार्ड के साथ है तो आपके पर्सन, इसको कंसीडर करके कहा जा सकता है, डिटरमिनेशन किया हुआ है उन्होंने कि आपके बिना ही लाइफ में आगे बढ़ेंगे एनी हाउ। बट द वर्ल्ड कार्ड है यहाँ पर, तो वर्ल्ड कार्ड बताता है कि एक साइकिल तो डेफिनेटली कंप्लीट होना है, तो इट कैन टेक सम टाइम, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट दिस साइकिल विल बी कंप्लीटेड जब आपके पर्सन की थॉट्स में इम्प्रूवमेंट आ सकता है। बट विलिंगली वो क्या चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि जिस भी तरह से फ़िलहाल लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं ऐसे ही बढ़ते रहें विदाउट यू। लेकिन देखते हैं इसमें यूनिवर्सल कुछ आउटकम है। फाइव ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स। देखिए फाइव नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके बिना आगे बढ़ते हैं तो दिस विल बी द स्टेट, यही कंडीशन रहेगी। यही बात जब हम यूनिवर्सल आउटकम में देख रहे हैं तो भी देखा जा सकता है। फाइव ऑफ कप्स मतलब काफ़ी ज़्यादा सैडनेस रहने वाली है अगर आपको अवॉइड किया जाता है, तो दोनों ही केसेस में, चाहे आपके पर्सन खुद से अपने आप को रोकें या यूनिवर्सली भी अगर रोकते हैं तो भी सैडनेस है। यहाँ वर्ल्ड कार्ड है जो बता रहा है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए हो सकता है आपके पर्सन अपने आप को रोकें, बट यहाँ थ्री ऑफ कप्स है जो कि आपकी हैप्पीनेस के लिए है, आपकी इंडिविजुअल लाइफ में हैप्पीनेस, वार्म्थ, सेलिब्रेशंस सब कुछ आएगा। एंड आपके पर्सन की ओर से रीड कर रहे हैं तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ रिकंसिलिएशन। कुछ दिनों से थ्री ऑफ कप्स रीडिंग में बार बार आ रहा है, तो कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि रिकंसिलिएशन होने ही वाला है। कूल, नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि ये जो रीज़न है आपके पर्सन को जो रोकता है आपकी तरफ बढ़ने से, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वेंड्स, जो दिखाता है कि पास्ट में कुछ पर्सनालिटी वाइज ऐसे डिसीजंस लिए गए हैं जो काफ़ी गुस्से में लिए गए हैं, सोच समझ कर नहीं लिए गए हैं। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट डज इट वांट टू क्वालिफाई। द थिंकिंग मैन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी बताता है कि ऑलरेडी आपके बारे में सोच रहे हैं, और वही सोच रहे हैं जो आप दोनों के बीच अगर कुछ आर्ग्यूमेंट या कुछ बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो उसी के बारे में अभी तक सोच रहे हैं। आपके पर्सन चाहे खुद से अपने आप को रोकें तो भी उनका आउटकम यही है, द वर्ल्ड फाइव ऑफ कॉइन्स। इट मीन्स आपके बिना लाइफ में आगे बढ़ना वो तो पॉसिबल नहीं हो सकेगा। और यूनिवर्सल आउटकम अगर हम देखते हैं तो यूनिवर्सल आउटकम है कि सैडनेस, गॉड भी नहीं चाहते। थ्री ऑफ कप्स, वो भी यही चाहते हैं कि आप दोनों रिकंसाइल्ड हों, सेलिब्रेट करें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। लेट्स ट्राई टू क्वालिफाई कि विलिंग आउटकम क्या है। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, तो आर्कएंजल एरियल क्रिएटिविटी को प्रमोट करती हैं। द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर इसीलिए आया था, आपके बिना जब लाइफ में आपके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं तो इस दौरान कुछ चीज़ें उन्होंने सीखी हैं एज अ लेसन, तो ये उनकी पर्सनालिटी में कुछ ऐड करने के लिए ही ये टाइम पीरियड था। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि यूनिवर्सल जो आउटकम है आप दोनों के लिए रिकंसिलिएशन, व्हाट डज इट वांट टू शो। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में है मैन होल्डिंग अ हार्ट, तो इट मींस आर्कएंजल माइकल भी आपके साथ हैं। किसी भी तरह की निगेटिविटी आप दोनों में थी दैट विल बी सॉर्टेड आउट,
और आप लाइफ को फिर से रिज्यूम कर पाएंगे हैप्पीनेस के साथ। दिस इज कूल। आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं एंजल्स से, इसे एंजल्स का आंसर, गाइडेंस या प्रेडिक्शन कह सकते हैं। ट्रस्ट एज यूजुअल, कॉम्प्रोमाइज़। देखिए कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ दिखाई भी दे रहा है, हो सकता है आपके पर्सन खुद से अपने आप को रोके, द वर्ल्ड फाइव ऑफ कॉइन्स, बट इसमें यूनिवर्सल आउटकम भी है, दैट इज़ फाइव ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ कप्स, और कप्स की ही एनर्जी है तो इट मीन्स इमोशंस को शो करती है कप्स की एनर्जी। सो हो सकता है कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपको या आपके पर्सन को करने पड़े, अगर कुछ इगोइस्टिक एटीट्यूड या किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों में रहा है तो उसे आप कॉम्प्रोमाइज़ करके सॉर्ट आउट करें, देन ट्रस्ट करें यूनिवर्स पर, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन, यू आर गोइंग टू बी रिकनसाइल्ड। थैंक यू सो मच, टेक केयर।